हेलो माय डियर, दिस इज उज्जवल कुमार सिंह अगेन। आई एम बैक विथ अनदर अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। वेल, बिकॉज ऑफ फ्यू टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई अनेबल टू अपलोड दैट वीडियो। दैट इज़ अबाउट ट्रेन कंसेप्ट। एंड ये ट्रेन कंसेप्ट जो है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट हैं। ये कंसेप्ट जिसको समझ में आता है वो इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ट्रेन का क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस केस में। तो चलिए बात करते हैं आज किस तरह से ट्रेन के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या होता है ट्रेन का? पहला होता है ट्रेन क्रॉसिंग एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दैट इज ट्रेन क्रॉसिंग एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसका कोई लेंथ नहीं होता है। लेंथ इज जीरो। दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग इट, वी आर एज्यूमिंग दैट लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये सिंपल कंसेप्ट है। वो होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये पहला कंसेप्ट है। इस तरह के हमारे पास चार कंसेप्ट हैं। मैं दूसरी कंसेप्ट की बात करता हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट विद हैविंग सम लेंथ। देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट वुड बी टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। चार कंसेप्ट जो आगे जो दो कंसेप्ट बताऊंगा, टोटल चार कंसेप्ट बताऊंगा। चारों कंसेप्ट में से आपने अगर ग्रैब कर लिया तो आपका ट्रेन के प्रॉब्लम जितने हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, ट्रेन क्रॉसिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। क्या बोलता है, ट्रेन क्रॉसिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट एनी लेंथ। इट इज सेइंग द ट्रेन इज हैविंग नो लेंथ बट इट इज अ ट्रेन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। दैट मीन्स सपोज दैट हमारे पास एक नो लेंथ मतलब नेग्लिजिबल GIBLE नेग्लिजिबल लेंथ का कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और साथ में ट्रेन भी मूव कर रही है। ये ट्रेन है हमारा, ट्रेन मूव कर रही है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अब इसमें कंसेप्ट दो आता है, पहला एंड दूसरा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या कंसेप्ट होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कंसेप्ट क्या है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो अब ऐड हो रहा है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो रहा है, वो क्या है, स्पीड माइनस हो रहा है। चलिए चौथा कंसेप्ट की बात करते हैं। चौथा कंसेप्ट हमें क्या बोलता है,
फोर्थ नंबर कंसेप्ट बोलता है ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद हैविंग सम लेंथ। तो इसमें भी दो कंडीशन आएंगे, पहला दूसरा। अगर ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तब टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन टाइम टेकन टू क्रॉस इच अदर टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये जो चार कंसेप्ट है ट्रेन का, ट्रेन के प्रॉब्लम्स का चार कंसेप्ट है। चारों कंसेप्ट को आपने अगर ग्रैप कर लिया तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल इसमें अपलोड किया हुआ है और होपफुली नेक्स्ट एक अपलोड करूंगा जो प्रीवियस ईयर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।